मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाकुरली में फुटओवर ब्रिज का काम चालू होने की वजह से रेल सेवाएं बाधित रहीं, हालांकि इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन ने पहले ही दी थी। 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन ब्लॉक रहेगा, क्योंकि क्रिसमस की वजह से ज़्यादातर दफ्तर बंद रहते हैं। आज सुबह 9:45 से 1:45 तक ये ब्लॉक रहा, जिसकी वजह से डोंबिवली, कल्याण, दिवा, मुमरा में लोकल ट्रेनें बाधित रही। ये ब्लॉक 5वीं और 6वीं लाइन पर थी। ठाकुरली स्टेशन पर एक नया फुट ओवर ब्रिज का काम चालू है। ये ब्रिज 6 मीटर चौड़ा, 4 गार्डरों को लॉन्च किया गया है। इस फुट ओवर ब्रिज का काम चालू होने की वजह से लोकल ट्रेन के यात्री जो सुबह अपनी ऑफिस के लिए जाते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ब्लॉक के दौरान उपनगरीय रेल सेवाएं भी बाधित रही। लंबी दूरी की कुछ ट्रेनें डाइवर्ट भी की गई। कल्याण और करजत कसारा के बीच 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर विशेष सेवाएं रही। इसके अलावा CST दादर से कुर्ला घाट, कोपर और ठाणे के बीच ट्रेन सेवाएं टाइम टेबल से रहीं। ठाकुरली फुटओवर ब्रिज का काम होने की वजह से लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वाले काफ़ी परेशान नजर आए। इस दौरान मुमरा दिवा स्टेशनों पर यात्रियों की काफ़ी भीड़ भी देखी गई, जो ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे। दिवा रेलवे प्रवासी संगठन के आदेश भगत और यात्रियों ने क्या कहा है। रेल प्रशासन ने ठाकुरली FOB के लिए जो मेगा ब्लॉक लिया था, ये मेगा ब्लॉक का पूर्व से ही ऐलान किया था, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ दिवा में होनी चाहिए थी वो व्यवस्था यहाँ पे दिखाई नहीं दी। उसके कारण यहाँ पे पब्लिक की ज़्यादा भीड़ जमा हुई थी। जिस तरह KDMC ने प्रवासियों के लिए KDMC की बस उपलब्ध कराई थी, उसी तरह ठाणे महानगर पालिका ने भी यहाँ बस की सुविधा उपलब्ध करानी चाहती थी, लेकिन वो की नहीं। इसलिए पब्लिक की बहुत यहाँ भीड़ थी। इसी के कारण जो दिवा डोंबिवली से ठाणे तक जो समांतर रास्ता जो चाहिए उसकी आवश्यकता है, ऐसा एक मांगनी सामने आई है। और दूसरी बात, जो दिवा से दिवा CST के लिए लोकल ट्रेन छोड़नी चाहिए उसकी भी बहुत आवश्यकता है, ये आज की घटना से समझ में आती है। हाँ, गर्दी होती, ट्रेन बंद होती, यानी काम चालू होते ठाकुरलीला ट्रेन बंद होती, कैसा प्रकार त्रास झाला आने तक घरी जाना। दिवा के पब्लिक के सामने जो समस्या खड़ी हो गई कि यहाँ से बहुत दिनों से चले आ रहा है कि दिवा से ट्रेन छोड़ा जाएगा, बट अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ की मतलब जनता या पब्लिक को परेशानियाँ मतलब या दिक्कतें हमेशा मतलब देखना पड़ रहा है। और यहाँ से जाने के लिए कहीं अगर वो जाना भी चाहता है तो ना रोड वाइज कोई साधन है, ना सुविधा है, ना कोई बस है, मतलब कि अपना थाने महानगर पालिका द्वारा ऐसा कोई सुविधा होना चाहिए जिसकी कि पब्लिक को अगर कभी इनके ट्रेन का प्रॉब्लम होता है तो बाई बस या बाई रोड या किसी भी तरह से वो जा सके, कहीं काम पे या कहीं समस्या कोई और उसको तमाम मतलब होते हैं तो सुविधा होनी चाहिए। हमारा एवढा तकलीफ झालेली आहे की कामाला जायला गाड़ी नहीं, काय नहीं, आणि आमच्या हातावली पोट आहे, तर आम्ही कसं पोट भरणार सांगा तुमच्या मनाने। हे गव्हर्नमेंटनं समजून घेतलं पाहिजे की नाही, रेल्वे गाड्या कुठे ना कुठे चालू केली पाहिजे। हे पब्लिक किती बसलेलं आहे माहिती आहे का, आता जवळजवळ 1-2 लाख पब्लिक दिवा स्टेशनवरती उभा आहे, ह्याला काय करायचं हे समजलं पाहिजे। आत्ता सध्या परिस्थिती अशी आहे की एकही गाडी येत नाही की जात नाही। आत्ता सांगितलं की 1-1.5 वाजता गाडी येईल किंवा नाही, तोपर्यंत कामधंद्याचे वांदे झाले आणि लेकरं बाळ उपाशी मरणार, त्यामुळं खाडे झाले माणसाचे सर्व। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।